हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 जीके ट्रिक्स। और आज आप जानेंगे रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और आपको एक सिंपल मेथड से आपको रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग यहां पर निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक हम रेजिस्टेंस लेते हैं और उस रेजिस्टेंस को समझते हैं, फिर उसकी हम लोग एक एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज कीजिए आपका ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के अंदर देखिए फ्रेंड्स कलर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर 4 बैंड के कलर कोडिंग रेजिस्टेंस की उसका मान जो कि हम लोग यहाँ पर वेरी करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर रेजिस्टेंस ऐसे सपोज कीजिए दिया है ब्राउन, रेड, ब्लैक और गोल्ड कलर का आपको एक रेजिस्टेंस दिया है, ओके। तो अगर आपसे कहता है कि इसकी पूरी वैल्यू निकाल कर बताइए कि ये कितने का है, तो देखिए मैं आपको सिंपली एक मेथड बताता हूँ चार्ट के माध्यम से, बहुत आसानी से आपको सुनना है और आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक कुछ कलर दिए हैं और ये नंबर दिए हैं और ये मल्टीप्लेक्सर दिया है और ये इसका टॉलरेंस दिया है, ठीक है। कलर है देखिए यहाँ पर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से आपको दिए हुए हैं और इनके नंबर्स इसके आगे लिखे गए हैं और ये इसका मल्टीप्लेक्सर होता है और ये टॉलरेंस मात्र 3 कलर का होता है। तो चलिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया गया है उसकी हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है ब्राउन, अब आपको देखना है इस ब्राउन कलर में इसका नंबर्स कितना है, क्योंकि देखिए ये आपका पहला बैंड हो गया, ये आपका दूसरा बैंड हो गया और ये थर्ड बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं 4 बैंड, ठीक है। ये टोटल आपके 4 बैंड हो गए हैं। अब देखिए, इसमें से पहले बैंड जो है, पहले बैंड का कलर क्या है, ब्राउन। तो आपको यहाँ पर देखना है ब्राउन का नंबर कौन सा है, ब्राउन का नंबर 1 है, बस आपको इसके आगे फिलहाल के लिए 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा बैंड क्या कहता है, दूसरा बैंड का कितना है, दूसरे बैंड का 2 है, तो दूसरे बैंड के आगे आप लोग लिख दीजिए 2। उसके बाद देखिए तीसरे पर चलिए, तीसरा है आपका ब्लैक, तो देखिए ब्लैक कितना पर है, 0 पर। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, पहला कलर और दूसरा कलर क्या बताता है, पहला कलर और दूसरा कलर आपके नंबर्स को बताता है, यानी कि ये आपके नंबर हुए हैं। और ये क्या बताता है, थर्ड वाला बताता है इसका मल्टीप्लेक्सर कितना है। तो देखिए, जब आप थर्ड कलर को लिखोगे तो आपको ब्लैक के आगे देखना है कितना है, 10 की पावर 0, तो देखिए आप यहाँ पर ब्लैक के आगे लिख दीजिए 10 की पावर 0, ठीक है। गोल्ड क्या है, गोल्ड इसके टॉलरेंस को बताता है, टॉलरेंस कितना है गोल्ड का, देखिए गोल्ड का जो टॉलरेंस है फ्रेंड्स वो कितना है, 5। तो आपको इसको जो लिखना है वो आपको लिखना है प्लस माइनस 5 करके आपको लिखना है। ये आपकी वैल्यू आपको पता लग गई। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, बस आप लोग देख लीजिए, ब्राउन का कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए, रेड का कितना है, 2 है, तो देखिए ये आप इसको लिख सकते हैं, रेड का कितना है, 2, तो इसके आगे लिख दीजिए 2 और इनटू में जो थर्ड कलर है मल्टीप्लेक्सर जो बताता है उसका है 10 की पावर 0, ये आपकी वैल्यू देखिए आ गई, बस इतना आपको लिखना है और ब्रैकेट में जो इसको बंद करके, अब प्लस माइनस 5, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका हो गया, इसको आप कलर कोडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस मेथड के हिसाब से आप रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग निकाल सकते हैं। अब चलिए अभी कुछ और भी निकालेंगे, उससे पहले देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येल्लो, ग्रीन, ब्लू, वायलेटी, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और फिर 9 कलर का इसका टॉलरेंस दिया है। देखिए ब्लैक के आगे 1 है, तो ये आपको सिंपली कैसे याद होएगा, देखिए आपको पहले तो ये याद रखना है BB Roy, ये ट्रिक बनाई है BB Roy, आप बोलेंगे सीक्वेंस से। उसके बाद देखिए ग्रेट भारत, वेरी गुड, वाइन, सोना, चांदी, ये आपको इसको सीक्वेंस से 3-4 बार कम से कम बोलना है कि BB Roy, ग्रेट भारत, वेरी गुड, वाइन, सोना, चांदी, ठीक है। इससे आपको क्या हो जाएगा, देखिए बी से क्या हो जाएगा, ब्लैक, बी से ब्राउन, ये आपको सारे सीक्वेंस याद हो जाएंगे। और उसके बाद जो नंबर्स हैं, नंबर आपको 0 से लेकर 9 तक याद रखने हैं बस, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक याद रखने हैं, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और मल्टीप्लेक्सर देखिए 0 के आगे 10 की पावर 0 और 1 के आगे 10 की पावर 1, तो ये भी आपको यहाँ तक 9 तक याद करना है, उसके बाद 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू करता है। तो देखिए गोल्डन, सिल्वर और फिर 9 कलर, इनके सिर्फ 3 होते हैं जो कि 5, 10 और 20 इसके टॉलरेंस को बताते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए इसका देखिए हम लोग निकाल के दिखाते हैं कितना निकल कर आएगा आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर दिया है ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन और फिर गोल्ड, इसका हमें निकालना है। तो चलिए आपकी हेल्प के लिए मैं आपके सामने चार्ट यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो देखिए ब्राउन कितना है, अब आसानी से आप खुद निकाल के दिखाएंगे, ब्राउन का कितना है, 1, इसके आगे 1 लिख दीजिए पहले बैंड के आगे। दूसरा बैंड क्या है ब्राउन का, ये भी 1 लिख दीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये दोनों क्या बताते हैं, ये दोनों इसके नंबर्स को बताते हैं, ठीक है।
और ये क्या बताता है, ये इसका मल्टीप्लेक्सर बताता है और ये इसका टॉलरेंस बताता है जो चौथा बैंड होता है, ठीक है। तो दूसरे पे अब क्या है, देखिए दूसरे पर ब्राउन के आगे इसका मल्टीप्लेक्सर कितना है, 10^1 इसका मल्टीप्लेक्सर दिया गया है, ठीक है। गोल्डन का देख लीजिए टॉलरेंस क्या होता है, तो गोल्डन का जो टॉलरेंस है कितना है भाई, 5 है, तो प्लस माइनस 5, ये आपका हल्का फुल्का आगे पीछे होता है। अब इसको देखिए किस तरह से लिखना है वो आप लोग देख लीजिए, इसको लिखिए 1 × 10^1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और प्लस माइनस 5, ये आपका आंसर आ चुका है, एकदम ये आपके सामने आ चुका है। चलिए सेकंड बैंड ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपको बताना है। चलिए देखिए ये सेकंड आ गया है रेजिस्टेंस, उसके बाद आप बताइए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। तो सिंपली देखिए येलो ऑरेंज ब्लैक और सिल्वर आपके रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए वाई की देख लीजिए क्या है, येलो का कितना है नंबर, 2 डिजिट आपको मैंने हमेशा से बताया है, ये दोनों इसके नंबर्स को बताएंगे और तीसरा बैंड आपका मल्टीप्लेक्सर बताएगा, चौथा बैंड आपका टॉलरेंस बताएगा। तो वाई का कितना है, तो वाई का कितना है भाई, वाई का है 4, इसके आगे 4 लिख दीजिए। ऑरेंज कितना है, ऑरेंज का है 3, इसके आगे लिख दीजिए 3, ठीक है। ब्लैक वाला अब आगे, ब्लैक का कितना है, ये आपका मल्टीप्लेक्सर बताएगा, तो ब्लैक का जो मल्टीप्लेक्सर है 10^0 है, ओके, ये आपका है। उसके बाद देखिए सिल्वर क्या है, टॉलरेंस बताएगा, यानी कि ये आपका हो गया 10, ठीक है, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 10। अब इसको देखिए किस तरह से लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा, इसको लिखना है 4 × 10^0, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा ये प्लस माइनस 10, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग इसकी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आपकी ओम, किलो ओम और मेगा में आपकी ये निकाली जा सकती है, ठीक है। उसमें 10^10 आपको जो मल्टीप्लेक्सर है, अगर 10^3 है तो वहाँ पर आप 3 जीरो लिख सकते हैं, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट्स करके बताना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर देना। अगर किसी प्रकार का भी आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।